नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ स्वाति त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डिफेंस एक्सपो 2020। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आगाज 5 फरवरी को होने जा रहा है जो 9 फरवरी तक चलेगा और इस डिफेंस एक्सपो में 70 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि, 165 से ज्यादा विदेश इन्वेस्टर्स शामिल होंगे। क्यों है डिफेंस एक्सपो 2020 ऐतिहासिक, ये बताते हैं हम आपको अपने खास कार्यक्रम डिफेंस एक्सपो 2020 के जरिए। ये डिफेंस एक्सपो कई मायनों में खास होने जा रहा है, जहां एक तरफ अत्याधुनिक हथियारों का मेला सजेगा तो वहीं एक संदेश हिंद के दुश्मनों को दिया जाएगा कि दुश्मन अपनी हद में रहे या फिर तैयार रहे अपने खात्मे के लिए। राजधानी लखनऊ में होने वाले डिफेंस एक्सपो की तैयारियां काफी जोर पर चल रही हैं। आपको बता दें ये डिफेंस एक्सपो 5 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक पूरे राजधानी लखनऊ में किया जाना है। ये 2 पार्टों में होगा जिसकी जानकारी मीडिया में दी गई है। राजधानी लखनऊ सजकर तैयार हो गई है इतिहास के पन्नों पर अपने नाम को दर्ज कराने के लिए, जिसमें 5 फरवरी को डिफेंस एक्सपो 2020 का आगाज होगा जो 9 फरवरी तक चलेगा। ये डिफेंस एक्सपो 2020 हथियारों का मेला है, जहां कई हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, कई उपकरणों, कई सेना के साजो सामान को पेश किया जाएगा। लेकिन साथ ही इसी प्रदर्शनी के जरिए एक सीधा संदेश दुश्मन देशों को भी दिया जाएगा कि वो अपनी हद में रहे, वरना अवध की धरती पर हुंकार भरते देश के जवानों के साथ साथ अत्याधुनिक हथियार उनको अपनी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। सेना के तोपखाने में क्या हथियार है, यह एक्सपो सिर्फ उसकी प्रदर्शनी भर नहीं है बल्कि लगातार तेज कदमों के साथ आगे बढ़ते हिंद का प्रमाण भी है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है और अपनी दक्षता और प्रतिभा के दम पर हथियार बनाने में सक्षम भी हो चुका है, जो किसी और देश के हथियारों को आंखें दिखाने का मादा रखता है। दरअसल ये उस सपने के साकार होने का स्पष्ट प्रमाण है जिसे पीएम मोदी ने देखा था कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और रक्षा क्षेत्र ने इसी पर चलते हुए आत्मनिर्भरता की पताका फहराई है। इस डिफेंस एक्सपो में मेक इन इंडिया की तर्ज पर बने कई स्वदेशी हथियारों और उपकरणों को पेश किया जाएगा, जिसमें भारतीय तकनीक के आधार पर खतरनाक हथियारों का निर्माण किया गया है जो पलक झपकते ही दुश्मन देश को खत्म कर देंगे। अभी आपको बता दें, एक पार्ट जो लखनऊ का वृंदावन एरिया है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये सेक्टर 15 है, यहां पर होगा। यहां भी देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम वो तैयारियां चल रही हैं डिफेंस एक्सपो के लेकर के, तमाम वो आर्मी के जो हथियार हैं, तमाम वो चीज़ें हैं जो यहां पर लाई गई हैं, रॉकेट लॉन्चर से लेकर के आपको बता दें कि जो टैंकर हैं और जो गन है, हाई मार की गन है, वो भी लाई गई हैं। तमाम सेना के वो आपको अस्त्र शस्त्र दिख जाएंगे यहाँ पर। तमाम जो वायुसेना के विमान हैं वो भी लाए गए हैं, जो तमाम वो हेलीकॉप्टर्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनको यहाँ पर ला करके रखा गया है दर्शन के लिए। और वहीं आपको बता दें कि अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट जो गोमती रिवर फ्रंट है वहाँ पर होगा, जहाँ पर वायुसेना और नेवी जो है वहाँ अपना पूरा प्रदर्शन करेगी, जिसको लेकर के लगातार तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं, मुकम्मल की जा रही हैं। लखनऊ में वृंदावन कॉलोनी के 200 एकड़ की जमीन सेना की छावनी में तब्दील हो गई है, जहां कई अत्याधुनिक गन, मशीन गन, अर्जुन, धनुष और सारंग जैसी तोपें, हेलीकॉप्टर्स, रॉकेट लॉन्चर्स लाए गए हैं जिनका प्रदर्शन होगा, जो अपनी ताकत और क्षमता से विश्व को रूबरू कराएंगे। तो वहीं गोमती रिवर फ्रंट पर भी सेना का शौर्य देखने को मिलेगा, जहां नेवी और एयरफोर्स अपने जलवे बिखेरेगी। इस डिफेंस एक्सपो पर पूरे विश्व की नजर है कि सेना के जवान और इन हथियारों की मौजूदगी में हिंद की धरातली, हवाई और समुद्र की सीमाएं कितनी सुरक्षित है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 5 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। डिफेंस एक्सपो 2020 9 फरवरी तक चलेगा, जो एक इतिहास लिखने को बेताब है और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी 70 से ज्यादा देश होंगे।
यहाँ सेक्टर 15 की अगर बात करें तो वृंदावन में एक डेमो पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर जो आर्मी के तमाम वो जवान होंगे, हमारे पीछे देख सकते हैं कि जहाँ पर ये विमान खड़ा है इसी के ठीक पीछे वो डेमो पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर टैंकर और जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो एक तरह का युद्धाभ्यास करेंगे, लोगों को युद्धाभ्यास के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह से युद्ध होता है। और वहाँ पर तमाम वो अर्जुन टैंक और तमाम इस तरह के टैंकों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। पूरी जो डिफेंस एक्सपो है ये मेक इन इंडिया की तर्ज पर पूरा किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस जो डिफेंस एक्सपो है इसमें तमाम देशों के रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे, लगभग 70 से अधिक देश इसमें शामिल होने वाले हैं और करीब 165 इन्वेस्टर्स भी इसमें, जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं 165 हैं वो इसमें शामिल होंगे। वहीं अगर हम यहाँ इंडिया की बात करें तो 1000 से ऊपर इन्वेस्टर्स इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लगातार अभी रजिस्ट्रेशन जारी है। 70 से ज्यादा देश, उन देशों की रक्षा मंत्री, 165 से ज्यादा विदेशी इन्वेस्टर्स के सामने हिंद की सेना अपनी ताकत का एहसास कराएगी, जिसमें युद्ध के दौरान अपनी सतर्कता और हथियारों की उपयोगिता के बारे में बताया जाएगा। युद्ध अभ्यास होगा। डिफेंस एक्सपो का आगाज 5 फरवरी को होगा। 6 और 7 फरवरी को बिजनेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें 165 से ज्यादा विदेशी इन्वेस्टर्स के साथ चर्चा की जाएगी। तो वहीं 8 और 9 फरवरी को आम जनता अपने रक्षकों को पास से देख पाएगी, उनकी नीति उनकी रीति को समझ पाएगी, यानी कि आम जनता के लिए डिफेंस एक्सपो के दरवाजे खोल दिए जाएंगे करके वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। और हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये सेना की वो गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है जो पेट्रोलिंग में काम आती है, इसके जरिए पेट्रोलिंग की जाती है, पूरी बुलेट प्रूफ होती है। तो इसी तरह के तमाम वो अस्त्र शस्त्र आर्मी के आ चुके हैं यहाँ पर। अगर हम आम पब्लिक की बात करें तो जो 5 दिन जो ये पूरा डिफेंस एक्सपो होगा इसमें 8 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी यानी 2 दिन आम जनता के लिए खोला जाएगा, जो कि प्रवेश गेट नंबर 5 से किया जाएगा आम जनता को देखने के लिए पूरी तरह से। वो भी आपको बता दें कि जो जब ये शोज आर्मी के शो शुरू होंगे तो उससे 2 घंटे पहले एंट्री दी जाएगी और बाकायदे उनका जो आईडी कार्ड है वो देख करके आम पब्लिक को यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो डिफेंस एक्सपो है उसकी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं, की जा रही हैं, क्योंकि एक काफ़ी बड़ा देश का देखा जाए तो भारत का एक काफ़ी बड़ा ये इवेंट माना जा रहा है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय श्री। डिफेंस एक्सपो में सिर्फ हथियारों की ही प्रदर्शनी नहीं लगाई जाएगी बल्कि सेना के जाबाज जवान अपने पराक्रम से दुनिया को रूबरू कराएंगे। इस दौरान कई तरह के कर्तव्य भी किए जाएंगे। डिफेंस एक्सपो 2020 के शुरू होने की बेताबी जितनी सेना के जवानों को और सरकार को है उससे ज्यादा बेताबी आम जनता को है, क्योंकि जब जब हिंद पर मुसीबत के बादल मंडराए हैं तब तब हमारे देश की सीमाओं पर तैनात सतत जनप्रहरियों ने ही अपने कौशल से दुश्मनों के पढ़ते कदमों को रोका है, अपनी शौर्यता की अनंत कथा देश के इतिहास के पन्नों पर लिखी है। ये डिफेंस एक्सपो सिर्फ हथियारों का मेला नहीं है जहां अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, बल्कि देश के सच्चे सपूतों की प्रतिभा उनके कौशल से भी विश्व रूबरू होगा। इस डिफेंस एक्सपो का मकसद सिर्फ तोपखाने की ताकत को विस्तार देना नहीं है बल्कि संदेश देना भी है कि नापाक इरादों के साथ अपने पड़ते कदमों को अपने देश की सीमाओं में रोक ले दुश्मन, वरना हिंद के ये परिंदे अपने बूटों से उनको कुचलने के लिए तैयार और बिता बैठे। इस डिफेंस एक्सपो में युद्ध की परिस्थिति के लिए तैयार होती सेना के साथ साथ सेना के जाबाजों का कर्तव्य भी होगा जो अपने तत्परता कौशल और कुशलता से विश्व को रूबरू कराएंगे। लखनऊ में होने वाले डिफेंस एक्सपो में आर्मी की जो डेड रिविल्स बटालियन है उसके लगभग 32 जो कैडेट्स हैं वो इस तरह से बुलेट पर कर्तव्य दिखाने वाले हैं, जिसका आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रिहर्सल किया जा रहा है। ये 5 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक लगातार ऐसे ही ये लोग एक निश्चित उस पर अपना कर्तव्य दिखाएंगे। यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं वो 32 जवान ऐसे हैं जो बुलेट पर अपना कर्तव्य दिखाएंगे। सेना के जवानों की एक टुकड़ी बुलेट पर खड़े होकर अपना कर्तव्य दिखाएगी जिसको डेयर डेविल का नाम दिया गया है। एक साथ कई जवान 7 बुलेट पर खड़े होकर कर्तव्य दिखाते नजर आएंगे जिसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेगा। नीली वर्दी में बुलेट पर खड़े हिंद के बब्बर शेरों ने रिहर्सल शुरू कर दी है और जब पीएम मोदी 5 फरवरी को डिफेंस एक्सपो का आगाज करेंगे तो देश के पीएम के सामने अपने कर्तव्य को प्रदर्शित करेंगे और ये सिलसिला लगातार 9 फरवरी तक जारी रहेगा।
यानी कि उद्घाटन के वक्त पीएम मोदी से लेकर 70 देशों के प्रतिनिधि और 165 विदेशी कंपनियों के इन्वेस्टर्स के साथ साथ आम जनता भी अपने सतत जन प्रहरियों के इस कौशल को नजदीकी से देख पाएगी। देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी पिरामिड बना करके तैयार की गई है। इसमें 7 बुलेट हैं जिनके ऊपर 32 कैडेट्स खड़े हुए हैं और ये एक साथ अभी निकलेंगे। तो ये मनमोहक नज़ारा देखने के लिए, ये करतब देखने के लिए तमाम देशों से लोग आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा पिरामिड बन के तैयार हो गया और पूरी जो बटालियन के 32 लोग हैं वो उसी बुलेट पर जा रहे हैं। इसका लगातार यहाँ पर रिहर्सल किया जा रहा है। ये रिहर्सल जो है वो जो लखनऊ में डिफेंस एक्सपो होने वाला है उसमें ये करतब दिखाया जाएगा, जिसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आने वाले हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए। डिफेंस एक्सपो में कई तरह के हथियारों की प्रदर्शनी होगी, लेकिन उनमें से कई हथियार ऐसे हैं जो देश के लिए गौरव है, क्योंकि उनको किसी देश से मंगाया नहीं गया है बल्कि हमारे ही देश में बनाए गए हैं और बेहद घातक और खतरनाक भी हैं। ९९ का वो दौर जब करगिल युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, कई तरह की कठिनाइयां, कई तरह की परेशानियां, लेकिन सेना के मजबूत इरादों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों की खाल खींच कर रख दी थी। उस वक्त सेना के जवानों का साथ दिया था बोफोर्स तोप। 12 और 13 जून की वो रात कोई नहीं भुला सकता, जब बोफोर्स तोप से निकलते गोलों ने तोलोलिंग रेंज पर हिंद की हिफाजत की पताका फहराई थी। इस युद्ध के बाद शुरू हुई थी सेना की जरूरतों की समीक्षा और निष्कर्ष निकला था कि सेना को और मजबूती देने की जरूरत है, जिसके बाद बोफोर्स तोप की तकनीक को विस्तार देने की जरूरत थी, लेकिन बिना किसी बाहरी सहयोग के, जिसके बाद लगातार स्वदेशी कलपुर्जों की मदद से एक तोप का निर्माण किया जाने लगा। जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में आर्टिलरी गन पर काम किया गया और फिर जो निष्कर्ष निकला उसने दुश्मन देशों को चौंका कर रख दिया। युद्ध करना तो दूर, कीदड़ भपकी देने के लायक भी उस तोप ने दुश्मनों को नहीं छोड़ा। उसके तरकश से तीर नहीं बारूद निकलता है, जब वो बोलता है तो दुश्मन खामोश हो जाता है। वो जिसे देखकर दुश्मन खौफ खाता है, वो जो दुश्मनों पर नहीं खाता तरस, बस उसका एक ही है लक्ष्य, दुश्मनों को तबाह करना। जबलपुर के गन कैरेज फैक्ट्री में आर्टिलरी गन बनाई गई, जिसने दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये किसी अन्य तोप की तरह विदेश से आयात नहीं की गई थी, जिसकी तकनीक के बारे में दुश्मन देश पता कर पाए। ये तोप स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी कलपुर्जों का मिश्रित निष्कर्ष थी और इसकी ताकत को देखते हुए इसका नाम दिया गया धनुष। जिसके तरकश से तीर नहीं बारूद निकलता है, जिसके भाल के तेज से दुश्मन देश की धरती लाल हो जाती है, जिसे देसी बोफोर्स कहा जाता है। लेकिन दुश्मन देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब ये कि देसी बोफोर्स यानी धनुष तोप असली वाले बोफोर्स से ज्यादा घातक है,
जिसके बाद धनुष तोप को पिछले बरस सेना में शामिल कर दिया गया और फिर हिंद की सीमाओं पर दुश्मन देश की मौजूदगी का एहसास असहाय हो गया, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को जानता है कि कोई भी युद्ध सेना के जवानों के हौसले से लड़ा जाता है, लेकिन अगर उस हौसले के साथ तबाही का सामान भी जुड़ जाए तो उसे धनुष तोप कहा जाता है, जो बोफोर्स तोप से भी ज्यादा घातक और खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। धनुष तोप से सबसे ज्यादा अगर कोई घबराता है तो वो है पाकिस्तान, और उसके पीछे की वाजिब वजह भी है क्योंकि 1999 में करगिल युद्ध में बोफोर्स तोप ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को कुचल कर रख दिया था, और धनुष तोप तो बोफोर्स से भी ज्यादा खतरनाक और भी घातक है। ऐसी क्या है खासियत धनुष तोप की जिसकी वजह से उसे देसी बोफोर्स कहा जाता है, देखिए। उसकी चीते की चाल है, उसके आगे दुश्मन बेहाल है, वो जब बोलता है तो दुश्मन को बोलने लायक नहीं छोड़ता। धनुष तोप से डरने, खौफ खाने, थर थर कपकपाने की एक वजह नहीं है दुश्मन देशों के पास, कई वजहों से दुश्मनों के लिए मौत का फरमान बनी है धनुष तोप। बोफोर्स तोप से दुश्मन डरते थे, लेकिन धनुष तोप के आगे वही दुश्मन खौफ खाता है। जब जब युद्ध का शंखनाद होता है, अपने विजयी भाल के साथ धनुष तोप दुश्मनों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। चीते की चाल से कदम दर कदम आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को ढूंढकर उसे मौत का फरमान थमा देता है। देसी बोफोर्स के नाम से जानी जाने वाली धनुष तोप दुश्मनों के लिए तबाही का सामान क्यों है, उसकी कई वजह हैं, कई खूबियां हैं, कई खासियतें हैं। तीस किलोमीटर तक की मारक क्षमता, एक मिनट में तीन गोले दागने की दक्षता, डेढ़ घंटे लगातार बारूद उगलने में सक्षम धनुष तोप है ऑटोमेटिक, 13 टन वजनी है धनुष तोप, 90% कलपुर्जे हैं स्वदेशी। हिंद की सीमा पर खड़े होकर जब जब ललकारती है धनुष तोप तो दुश्मनों का दिल बैठ जाता है, क्योंकि धनुष तोप 38 किलोमीटर तक के दायरे में नापाक इरादे वालों के पैर उखाड़ने में माहिर है। यही नहीं, दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं देता और एक के बाद एक तीन गोले एक मिनट के भीतर ताक कर दुश्मनों को जमींदोज कर देता है, और यही स्थिति अगले 1.5 घंटे तक बनाए रखने में सक्षम है। मतलब कि लगातार धनुष तोप अपने मुंह से 1.5 घंटे तक बारूद उगलने में माहिर है,
और ये सब वो अपने चीते की चाल के साथ करता है। 13 टन वजन के साथ जब सीमा पर धनुष तो गश्त करती है तो दुश्मन देश की धरती भी थर थर कपकपाने लगती है। बोफोर्स तोप के एक लंबे सफर के समापन से पहले सेना के हथियारों को रवानी देने के लिए धनुष तोप आई है जो बोफोर्स तोप से ज्यादा घातक और खतरनाक है। बोफोर्स की मारक क्षमता 27 किलोमीटर तो वही धनुष तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। बोफोर्स की बैरल 155x39 mm कैलिबर है तो वही धनुष की बैरल 155x45 mm कैलिबर है। धनुष का निशाना बोफोर्स से 30% बेहतर। धनुष तोप को सेना में शामिल करने से पहले एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा था। पोखरण में तपती गर्मी के बीच धनुष तोप ने अपना टेस्ट पास किया था। जून 2018 में 5 दिनों तक लगातार धनुष तोप का परीक्षण किया गया था जिसमें बिना लक्ष्य से भटके एक के बाद एक गोले धनुष ने दागे थे, जिसके बाद 8 अप्रैल 2019 को सेना को धनुष तोप का तोहफा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।